गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है, लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा। हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर ही बनी है। असल में वो एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको उन भूतिया गुड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज भी अस्तित्व में है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं एनाबेल की तरह ही आज भी इस दुनिया में मौजूद 8 गुड़ियों के बारे में। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक मां ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर एक गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वो गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वो गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे लगे हुए मिलते थे। इसके बाद डोना की मां ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देखते ही बता दिया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर लिया है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ऑकल्ट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया है और इसे हाथ ना लगाने की चेतावनी भी दी गई है। दोस्तों, अगर आप एनाबेल के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही एनाबेल के बारे में एक वीडियो बनाया है। आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट यूजिन ओटो नाम के एक व्यक्ति को यह खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौनों पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते हुए सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। दोस्तों, अगर इसके बारे में भी आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसकी पूरी कहानी के ऊपर मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थीं। उसने बताया कि आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहां ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे में खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थीं और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थीं। फिर उसने साल 1991 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया था। जापान की रहने वाली 17 साल की इकिची सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकिको के लिए खरीदी थी। एक साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकिको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकिको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए भी जाते हैं, लेकिन ये बढ़ते रहते हैं। कच्चा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कर्जा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। इसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की क्योंकि उसका मानना था कि ये शापित डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर साल 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहां से ग्लासों के खड़खड़ाने की आवाजें सुनाई देती। ऐसा लगता कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो।
ऐसा लगता कि वो वहां से बाहर निकल जाना चाहती थी। मर्सी डॉल की मालकिन शेरी एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को एक ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था तभी से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। शेरी बताती हैं कि एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। एक दिन तो शेरी और उसके पति ने इस डॉल को अपने शेल्फ में पाया। उसके बाद से उन लोगों ने इस डॉल को वहां से हटा दिया। क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई है। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतनी ही नहीं, इस डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती थीं, लेकिन फिर भी अगले दिन इसके बाल खुद ही उलझ जाते थे।